ओम शांति ओम शांति कैसे आप लोग ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿನೇ ಬರೆಗಾ तो यहाँ पर कोई है ऐसा जो दवाई लेता है? कौन बीमार है? शर्मा मत, बताओ मेरे को। कोई भी बीपी का, कोई बीमार, कोई बीमार है? बीमारी कितना जन बीमार है? नहीं, शरीर अच्छा, आप बीमार है या शरीर बीमार है? तो फिर मैं जब पूछा कौन बीमार है तो हाथ ऊपर क्यों किया? 50 मार्क पूरा आत्मा के लिए, कभी बीमार नहीं, बाकी 50 मार्क शरीर के लिए। उसमें खाली 2 मार्क या 3 मार्क का प्रॉब्लम है। तो हम सोचना बंद नहीं होता है, देखना बंद नहीं होता है, सांस लेना बंद नहीं होता है, खाने का बंद नहीं होता है, सुनने का बंद नहीं होता है, हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है। जब नंबर नहीं था तब भी ये सब चलता था, जब नंबर आया डायबिटीज ब्लड प्रेशर का तब भी ये सब चल रहा है। खाली नंबर का गेम है। वो गेम भी अपने भाई जो कुछ आत्माएं हैं वो थोड़े पैसे के लिए लोग नंबर ऊपर नीचे करते हैं। जब इंसुलिन नहीं बिकता था तब उससे पहले, इंसुलिन से पहले डायबिटीज का लेवल 200 और 120 था। जब इंसुलिन बनाया, इंसुलिन बिकता नहीं था तो उसको सिवाय 80 कर, तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन डायबिटिक हो गया। तो बेसिकली एक चीज हमको ध्यान में रखना है कि ये शरीर परमात्मा ने बनाया है और परमात्मा कभी गलत हो नहीं सकते। हमारा शरीर के अंदर जो भी हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए है। भले डायबिटीज हो, भले ब्लड प्रेशर हो, जो भी हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए। जब तक हम ये याद नहीं रखेंगे, जब तक हमको ये ज्ञात नहीं होगा कि हमारा भला हो रहा है, परमात्मा ने क्या लिखा है गीता में, जैसा जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा और जो होगा वो अच्छा, जब वो बोल रहे हैं सत्य के सागर परमात्मा, फिर हमको क्यों चिंता और क्यों सोचना। तो इसके लिए बीमारी नहीं है, खाली कम्युनिकेशन है। शरीर कम्युनिकेट कैसे करेगा? थोड़ा सा दर्द देखिए, थोड़ा सा पैरामीटर ऊपर नीचे करके शरीर आपको कम्युनिकेट करता है, जिसका नाम बीमारी रखा गया है। आज शरीर सब कुछ कम्युनिकेट करता है, थक गया तो कम्युनिकेट करता है, नींद आ गया तो कम्युनिकेट करता है, पेट में खाना ज्यादा हो गया तो कम्युनिकेट करता है, गैस हो गया तो कम्युनिकेट करता है, मोशन आते तो कम्युनिकेट करता है, रात को सोया रहेगा तो भी हमको ऐसा कम्युनिकेशन मिलता है कि हम सोते वक्त यूरिनेशन नहीं करते हैं, जाग के उठ के ताकि करके आते हैं। ऐसा नहीं कि सोया है तो यूरिनेशन किया, नहीं, इतना स्ट्रांग है हमारा कम्युनिकेशन। तो फिर उस कम्युनिकेशन को हमने बीमारी बनाया। लेकिन क्यों बीमार है? क्यों? क्योंकि हमारा रहन सहन गलत है। बस बच्चा पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं जाता है, बराबर से पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, होमवर्क नहीं करता है, तो क्या होता है? बच्चा फेल हो जाता है। लेकिन एक दफे बच्चे को समझ में आ गया कि मैं क्यों फेल हो गया और वो मेहनत करने के लिए राजी हो जाएगा, तो दोबारा क्यों वो फेल होगा? जिंदगी भी ऐसी ही है, शरीर भी ऐसी ही है, स्वास्थ्य भी ऐसी ही है। हम वो दो महीना जीने वाले को क्या बोला कि उसका माइंड चेंज करने का, कि तुम्हारा कंफर्म हो गया 2 महीना, मुझे मालूम नहीं मैं कल है कि नहीं, तो लकी कौन है? तुम लकी है, लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए एक श्वास रहेगा अपनी जिंदगी में, उसको हम पूरी जिंदगी खींच सकते हैं अगर हम परमात्मा का और कुदरत का साथ लिया। मैं बोला मैं भी मरूंगा, तुम्हारा भाई जो बाजू में रो रहा है वो भी मरेगा, लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन तुमको पता हो गया है, लेकिन तुमको अभी मालूम है प्रॉब्लम क्या है, अभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस दुनिया में है।
प्रॉब्लम बाद में आता है, ड्रामा में सॉल्यूशन पहला आता है। बच्चा पैदा बाद में होता है, माँ के अंदर भी पहला आ जाता है, उतना परफेक्ट है नेचर। तो इसके लिए कभी घबराने का नहीं, और हमेशा याद रखने का, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है। क्योंकि ये पेपर में अगर हम पास हो गए तो हमको कभी डर नहीं लगेगा। और डर किसका का काम है? शैतान का। क्यों उसका आपका डरने का? छोड़ दो, परमात्मा कभी डराता नहीं, वो प्यार का सागर है। तो आज से हम अभी हम समझेंगे कि किस तरह से हमको सही रहन सहन जीकर एक अच्छी जिंदगी, दवा मुक्त, दर्द मुक्त और आखिरी बलबूते तक अपने बल पे जिंदगी, किसी का सेवा भी नहीं लेने का, किसी का हाथ भी नहीं पकड़ने का। मेरे पिताजी थे, ये साल शरीर छोड़ा उन्होंने 90 साल में, किसी को हाथ पकड़ने नहीं देता था। तो बोलते हैं कि अगर मैं गिर गया तो, मैं बोला गिर गया तो हड्डी टूट जाएगी, वापिस जुड़ेगी, लेकिन हाथ पकड़ा तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं कॉन्फिडेंस चाहता हूँ हर जिंदगी में, एक ही साथ में रखने का कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो जाए एक गोली अपने साथ रखने का, नो प्रॉब्लम। वो गोली हर एक घंटे में खाने का, कुछ भी हो जाए। तो अभी हमारा एक जो हमारे साथ काम करता था, मेरा बहुत ही अजीज था, वो शरीर छोड़ा 25 साल का, उसकी बहन हमारे बारला के सेंटर में समर्पित बहन है। तो उसका भाई 27 साल का, बैंगलोर ही आया था, और वापस जाने के टाइम एयरपोर्ट से बाहर निकला और फ़ोन किया मेरा मैनेजर को कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं आप मेरे को डॉक्टर का ले जाओ। वो बाहर जाके रोड में खड़ा हो गया, ये मेरे पहुंचने से 3 मिनट पहले शरीर छोड़ दिया। तो मेरा आड़ता 90% काम वो देखता था। तो जब मेरे को फोन आया, 5 मिनट मेरा पैर खिसक गया जमीन से, लेकिन बाद में मैं बोला परमात्मा आपको चाहिए ना, ले लो, अभी आप आ जाओ मेरा काम करने के लिए। 5 मिनट में मैं स्टेबल हो गया, नो प्रॉब्लम। मैं इन लोगों को फोन किया, उसको लॉ हॉस्पिटल में लेके गया और बाकी का सब किया। तो 5 मिनट में हम स्टेबल में आ सकता है अगर उसके ऊपर भरोसा किया। सो आज मैं आप सबको आहार वेदा क्या है, किस तरह से शुरू हुआ, कैसे आज लोग उसे ठीक हो रहे हैं, समझ में आया। आहार का मतलब जानते हो आप लोग क्या? फूड। और वेदा का मतलब फिलॉसफी, राइट? कौन सा वेदा सुना है पहला? आयुर्वेदा। और यस, बहुत सारे वेदा है, लेकिन हम पढ़े नहीं है। अगर वो पढ़ते ना तो हरिशक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए ये कलयुग का लास्ट वेदा, आहार वेदा। तो आहार मतलब खाना, वेदा मतलब फिलॉसफी। सुबह से शाम तक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम सोचते हैं क्या? खाना। कोई भी प्रोग्राम रहने दो, उसका एक महीना पहला डिसीजन हो जाता है कि खाना क्या होना चाहिए, बराबर। तो जिंदगी में हमारे लिए सेलिब्रेशन मतलब खाना, राइट? तो खाने के लिए आज आप कोई भी फंक्शन में जाएगा, शादी में जाएगा, दूल्हा दुल्हन सुंदर रहेगा, डेकोरेशन अच्छा रहेगा, मेकअप अच्छा रहेगा, कपड़ा अच्छा रहेगा, अगर खाना खराब हो गया तो वो दूल्हा और दुल्हन ऐसा कोसेंगे आप लोग कि जिंदगी भर बोलेंगे नहीं, अरे उधर एक गया था वो खाना बेकार था बोलेंगे, बाकी सब भूल जाते हैं। हमको सिर्फ एक चीज हमको याद रखता है, वो है खाना। कोई प्यार से खाना खिलाए वो आदमी को याद रखते हैं। तो खाना हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं? सुबह उठ के कोई बैंगलोर जाता है तो मेरे को 4 फोन आता है, अरे ये जगह पे खाना ये है, ये जगह पे ये, ये जगह पे ये है बोल के। तो खाना सुबह से रात तक खाना खाना खाना, ब्रह्म भोजन से लेके
साउथ इंडियन खाना, पंजाबी खाना, गुजराती खाना, बंगाली खाना, कर्नाटकी खाना, वैरायटी ऑफ फूड, लेकिन वो क्या खाना के बदले क्यों खाना, अगर एक क्या को क्यों किया हमारी समझ में आ जाएगा कि हमको क्यों खाना चाहिए। अभी बहन जी ने बोला आहार मतलब फूड, बराबर, लेकिन जिस दिन आपका जिंदगी में आहार मतलब फ्यूल हो जाएगा उस दिन आपकी शरीर को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आज फूड के बदले फ्यूल, मतलब जो खाता है वो हमारा शरीर में ऊर्जा बनता है कि नहीं, वो हमारे शरीर में एसिड बनता है क्या, ये सब बातें आपको समझ में आ जाएगी। अभी जो फूड है वो दो ही जबान के लिए टेस्ट, लेकिन फ्यूल जो है वो पूरा सर से लेकर पैर तक, बराबर। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और हम पूरी जिंदगी बिना किसी का सहारा लिए हम जी सकते हैं। तो आज जर्नी शुरू करते हैं हम आयुर्वेदा का, लेकिन आयुर्वेदा समझने से पहले मैं कौन हूं वो आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, बराबर, लेकिन हम भूल जाते हैं मैं कौन हूं, मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, वो भूल जाता है बीमार होने की बात। हम आत्मा है वो याद रहता है, लेकिन मास्टर ऑफ दिस बॉडी बोल के भूल जाता है, डर जाते हैं। तो जब मास्टर ऑफ दिस बॉडी हो जाते हैं तो हमारा स्वाद का जो प्रॉब्लम रहता है वो खत्म हो जाता है। आज स्वाद, एक लेडी को बोला चाय छोड़नी पड़ेगी, अरे मैं तो बचपन से पी रही हूं कैसे छोड़ू, वही लेडी अपना पति को लेके आई थी शराब पीने वाला और उसके ऊपर गुस्सा। तो मैं पूछा उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहा हूं, उसकी भी तो आदत है, आप चाय की आदत रखती है, उसने शराब की आदत रखी है, तो उसमें और आप में फर्क क्या है। अच्छा ऐसा है तो छोड़ दिया चाय को बोलती है किसी चीज को उकसाना पड़ता है थोड़ा। तो स्वाद जो है वो जब तक हम मास्टर नहीं बनते हम हमारा स्वाद को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो स्वाद कोई कोई को मीठा का कंट्रोल नहीं है, कोई कोई को क्वांटिटी का कंट्रोल नहीं है, कोई कोई को चाय का, कोई कोई को कॉफी का, वो एक नशा ही है। वो जिस तरह शराब चरस गांजे का नरस नशा है उसी तरह चाय का नशा है। जब हमको शरीर अच्छा है तो ये सब करो, शरीर जरा सा बीमार हो गया तो सबसे पहले आयुर्वेदा को फॉलो करो। सो मास्टर ऑफ द बॉडी, मास्टर ऑफ द सिचुएशन, हर सिचुएशन का मास्टर, वो तो बाबा ने सिखा दिया हमको, लेकिन शरीर के लिए हम भूल जाते हैं तो वो भी हमको कंट्रोल करनी है। सो आज मैं आत्मा, मेरा परमात्मा होने के बाद शरीर कितने तत्वों के बने हुए, पांच तत्व, और ये दीवार जो बना है कितने तत्वों का है, ब्रिक एंड मोर्टर, सीमेंट और एयर, पानी, सॉइल, बराबर, ये चार तत्व है। इसको अगर मेरे को तोड़ के नया बनाना है तो क्या चाहिए, नहीं तोड़ के नया बनाने का, तोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, तोड़ने का तो नहीं चाहिए, लेकिन नया बनाना है तो क्या चाहिए, फिर से वही चाहिए, बराबर। अच्छा, वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा अभी ये बताओ हमारा शरीर किसका बना हुआ है, पांच तत्व, बराबर, क्या क्या, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, बराबर। तो अगर इसको वही चार चीज चाहिए, अच्छा ये चेन जो बना हुआ है ये गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है, बराबर, इसको तोड़ के नया बनाना है तो वही गोल्ड और चेन, तो फिर हम छठवा क्यों ढूंढ रहे। पांच चीज, हर चीज जो है, ये लाइट बनाया ग्लास और दूसरा केमिकल डाल के, हर चीज उसका तत्व का बनता है एक दफे, तो उसको नया तत्व
नहीं ढूंढते हैं, फिर हमारे लिए हम नया तत्व क्यों ढूंढ रहे रिपेयर और इलाज के लिए? मैं बराबर बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज इंसान ने बहुत कुछ बनाया बराबर, और कुदरत बहुत कुछ बनाता है। फर्क क्या है इंसान बनाता है कुदरत बनाता है उसमें फर्क क्या है? शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं, एक ऐसा फर्क है जो तुरंत मालूम पड़ जाता है ये इंसान ने बनाया बल्कि, और तुरंत मालूम पड़ जाता है ये परमात्मा मतलब नेचर परमात्मा ने बनाया, वो इससे वो क्या फर्क है? डिफेक्ट फ्री। चलो लगाओ दिमाग लगाओ थोड़ा, इतना ज्ञान हम लोग हमारे ज्ञानी हो गए हम लोग, एक फर्क है खाली जो तुरंत मतलब ऐसा आप खुद ही मालूम पड़ जाता है ये कुदरत ने बनाया और ये इंसान ने बनाया। इमिटेशन इमिटेशन जो भी बनाता है अच्छा, जो इंसान क्या बनाता है टेबल कुर्सी लैपटॉप फैन इलेक्ट्रिक बल्ब, नेचर क्या बनाता है अनाज फल झाड़ इंसान सब कुछ, तो उसमें क्या फर्क है? इंसान जो बनाता है वो हर चीज मुर्दा, कुदरत जो बनाता है वो हर चीज जिंदा, समझ गए? इंसान बनाता है वो मुर्दे को चलाने के लिए केमिकल लगता है, लेकिन आज हवा पानी मिट्टी ये सब केमिकल के वजह से बर्बाद हो रहा है। मैं पीआई डाला हूं, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस तीन चीज चाहिए, साफ हवा साफ पानी और साफ खाना। 40 साल पहले मैं स्कूल जाता था तो एक वाटर बॉटल भी नहीं लेके जाता था, स्कूल का नल को चालू करके दो हाथ से ऐसा पानी लेता था। आज हम पीते हैं, आज सब बॉटल का पानी पीते हैं जो हम सोचते कि स्वच्छ है। हम इतना नहीं कर सकते कि हम 40 साल पहले जैसा कोई भी मटका किधर भी रहता था बिना डर के हम पानी पीते थे। आज ऑर्गेनिक फूड के नाम पे इतना ब्रांड करके इतना महंगा करके बेचते हैं, अगर ऑर्गेनिक फूड अच्छा है तो क्यों सबको नहीं मिलता? क्या इतना हक नहीं है हवा पानी और खाने में इंसान को जीने के लिए? इसके लिए जब मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रीटमेंट दिया आर्थराइटिस और डायबिटीज के लिए, तो उन्होंने पूरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जस्टिस को ऐसे ही सबको बुला के उधर एक कोर्स लगा, तो पूरा होने के बाद उन्होंने पूछा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं बोला मेरी तीन जरूरत है, तो बोला कुछ ऐसा मत मांगना जो हमारे पावर में नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं चांद नहीं मांगूंगा, और चांद में भी जाना मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्यों बोलते हैं नहीं डेवलपमेंट है, बोला नहीं, आज हमारे घर में हमारे भाई बहन छत नहीं है पानी नहीं है खाना नहीं है शरीर बराबर नहीं है, इतना दुख दर्द है, वो करोड़ों रुपया डालकर तुम एक एलियन वर्ल्ड का फोटोग्राफ निकालने के लिए जाते हो, वो पैसे से हमारा भाई बहन को सशक्त कर सकता है, आप उसको डेवलपमेंट बोलेंगे? मैं उसको डिस्ट्रक्शन। तो मैंने बोला मेरा जरूरत है साफ हवा साफ पानी और साफ खाना, अगर ये तीन चीज मेरा बर्थ राइट मुझे नहीं मिल रहा है आपका सब डेवलपमेंट वेस्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंसर फैल रहा है अगला नस्ल बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि हवा और पानी के लिए हम रूल लेके आ रहे हैं, लेकिन खाने के लिए फार्मर लोग को आप ट्रेनिंग करो। तो मैंने कहा आई वॉश है आप कुछ भी खेल रहे हैं, बोला कितना फार्मर को ट्रेन करेंगे? 120 केमिकल अमेरिका और यूरोप ने 20 साल पहले बैन कर चुका है, और यूरिया सबसे टॉप नंबर वन है, और वो हमारे कंट्री में
ऐसा डाल रहे जैसा कोई कल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? अन्न देवता जहर डाल के खाना दे रहे, इसके लिए फार्मर लोग सुखी नहीं है। मैं गांव गांव जाकर महाराष्ट्र में समझा रहा हूं कि ऑर्गेनिकली ग्रो करो, केमिकल मत वापरो, कैंसर फैल रहा है। मैं दिवाली मना रहा हूं 10 साल से छोटे बच्चे लोग के साथ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। पहला साल 1200 बच्चे थे, आज 15 साल में कम से कम 18 से 19 हज़ार बच्चे आ गए। ये डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। मैंने पूछा जस्टिस बोबड़े से, मैं बोला किस हिसाब से आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं? तो काफ़ी डिस्कशन डिबेट होने के बाद उन्होंने बोला कि आप एक PI डाल दो। तो अभी PI डाला है, अभी देखते हैं क्या होता है। आप लोग सब योग में मेरे लिए उस काम के लिए प्रार्थना करो ताकि हर इंसान को एक साफ हवा, साफ पानी और साफ खाना मिले, जिस तरह मेरे माँ बाप ने PI माना। पब्लिक लिटिगेशन, मेरे माँ बाप जिस तरह नीडर, कभी पानी पीने के टाइम सोचते नहीं थे कि अच्छा है बुरा है, पी जाते थे। कोई भी मटका किसी के घर का, कोई भी रास्ते पे मटका, हम लोग रास्ते पे बॉम्बे में मटका रखते हैं, तो उसका भी पानी निकाल के पीते थे। मेरा होटल है जहां पर शाम को मैं 4 लड़का लोग को, खाली बच्चे लोग को, जो आजू बाजू खेलने वाले लोग को पानी पीने को आता था, 4 लड़का लोग का काम था खाली पानी पिलाने का। आज एक बच्चा नहीं आ रहा है। हर एक इंसान को इसका डर बैठ गया कि ये साफ पानी नहीं है उनके। और क्यों? क्योंकि ये पानी का बॉटल बिजनेस वाले, ये साफ पानी नहीं है और हमारा साफ पानी है उनके, आज ये कर दिया है। तो आप लोग सब योग में हवा, पानी और मिट्टी, और जितने भी आप फार्मर लोग जानते हैं, बोलो अन्न का देवता जहर डाल के मत दो, क्योंकि वो लोग सब जानते हो खराब है, इसके लिए अपने लिए अलग उगाते हैं और बेचने के लिए अलग उगाते हैं। तो ये फर्क नहीं होना चाहिए और हमको उन लोग ऑर्गेनिक फूड सबको मिलना चाहिए, केमिकल भी, ताकि सबका शरीर स्वस्थ रहे। आज पंजाब में एक ट्रेन आता है उदयपुर के लिए, जहाँ पर हॉस्पिटल है, कैंसर ट्रेन बोलते हैं उसको। आज कोल्हापुर को कैंसरपुर बोलते हैं क्योंकि इतना कैंसर बढ़ रहा है। सो हमको हवा, पानी और मिट्टी, ये तीन तत्व जो है, ये तीन तत्वों को इम्प्रूव करना है। मेरे को किसी ने कहा कि ये सबसे स्ट्रांग लॉबी इसके अगेंस्ट है कि केमिकल का बिजनेस करते हैं। मैं बोला मैं सबसे स्ट्रांगेस्ट लॉबी के साथ हूँ। ये तीन चीज देकर हमको इस दुनिया में भेजा गया है और हम उसी को बर्बाद करके हम खुशी से जीना चाहते हैं। किस तरह से जीना है? तो आप लोग जितना हो सकते इस बात को प्रचार करो और अपने योग में परमात्मा के साथ योग लगाकर ये तीन चीज को परिवर्तन लाने के लिए सत्युग बाबा, सत्युग आएगा, ये तीन चीज लाएगा ही, लेकिन उसके लिए हम भी थोड़ा सा योग में, हम योग करके उसके लिए जल्दी से आने के लिए प्रार्थना करें। तो 5 तत्वों का शरीर है, सारी 5 तत्व चाहिए। खाना, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी में उगने वाला खाना, अग्नि, सूरज के किरणें, विटामिन डी कम होता है, काफ़ी सारे विटामिन है। हम आज धूप पे नहीं जाते हैं, छाव में बैठते हैं, धूप चाहिए, थोड़ा सा धूप, 1/2 घंटा धूप रोज चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी टाइम पे 10-10, 5-5 मिनट करके आप लोग धूप लेना, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वायु रोज थोड़ा सा ब्रीदिंग कर देगा, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, थोड़ा सा 1/2 घंटा ब्रीदिंग। क्या सब लोग एयर कंडीशन में रहने लगे हैं? सबसे वर्स्ट डेवलपमेंट एयर कंडीशनिंग, शरीर को श्वास नहीं मिलता है, शरीर को, सब लोग श्वास बहुत कम लेते हैं और ऑक्सीजनेशन बॉडी को नहीं मिलता है, इसके लिए तकलीफ है। आज ये सब सोचना छोड़ दिया हमने। आकाश कब बनते हैं? आकाश कब बनते हैं? एक तत्व आकाश है, बराबर। अभी खाना में पानी आ जाता है, अग्नि व इससे आ जाता है, आकाश कब बनता है? आकाश भी चाहिए ना शरीर के लिए।
कब बनते हैं? हाँ, स्लीप में, रेस्ट है। हाँ, जब हम सो जाते हैं तब हम आकाश बनते हैं, कंप्लीट वैक्यूम, कुछ पता नहीं। आज आकाश है बल्कि दिखते खाली वैक्यूम है नहीं। वैसे जब हम सो जाते हैं तो आज लोगों का निद्रा नहीं है। आज मैं जितना भी सेंटर में बॉम्बे में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ इलाज करूंगा एक रूल में कि बहने सोएगी, सब लोग जब परिवर्तन, बाबा मुरली में बोलते हैं स्व परिवर्तन पहले, लेकिन सब लोग जब परिवर्तन के पीछे पड़े और स्व परिवर्तन स्वास्थ्य को छोड़ देते, भूल जाते हैं। सेवाएं रात को 12 बजे, 1 बजे और 4 बजे बाबा ने रूल बनाया, अमृत वेला उठना है, वो रूल को तोड़ना नहीं है। लेकिन दर्द मेरे के, तकलीफ मेरे के, बीमार रह के आप 4 बजे उठेंगे, उस बाबा को कितना तकलीफ होगा, कितना दर्द होगा उसको, आप लोग सब लोग समझते नहीं है। मैं हर सेक्टर का चीफ बहनों को बोलता हूँ, बहनें सो नहीं रही है, बहनें भाई लोग सो नहीं रहे, आपको नींद देना चाहिए, क्योंकि एक तत्व सबसे इंपॉर्टेंट, खाना कम, श्वास कम, लेकिन नींद कम, माइंड भी खराब हो जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आज ये सेंटर की बहनें से कि प्लीज सबको एक नींद अच्छा देना, सबसे बड़ी देन है। सब लोग आज रात को, मैंने एक बांडू की बहन से आई थी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए, मैंने बोला मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, बोली क्यों? मैं बोला आपको ट्रीटमेंट कैसे कर सकता हूँ, आप लोग सोते नहीं है, एक तत्व ही नहीं है। आज टायर, 4 टायर है गाड़ी का, एक टायर पंचर तो बाकी का 3 भी बेकार ना। तो फिर हमें अगर नींद नहीं किया, हमें कुछ भी इलाज किया तो नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बोला सेंटर का सब बहने अगर सोएगी तो मैं इलाज करूंगा। बोला हमारा क्लास रात को 10 बजे तक क्लास खुलता है। मैं बोला कितना जने? 8 बहने हैं। मैं बोला एक बहने लास्ट का क्लास, सब लोग को एक साथ बुला के ले लेना और बाकी के भाई और बहनें सोना चाहिए। हफ्ते में एक दिन या 10 दिन में एक दिन एक बहन का टर्न आना चाहिए। बाकी सब लोग अगर 4 बजे उठना है तो 9 बजे बत्ती बंद हो जाएगा तो मैं इलाज करूंगा। तो उस बहन ने, मैं बोला आज नहीं आपका इलाज करूंगा, आप वापिस जाओ, रूल बनाओ, 10 दिन करो, फिर वापिस आओ, फिर मैं करूंगा। उसने चालू किया, आज वो सेंटर बदल गया। एक बहने करती है और सबका इम्प्रूवमेंट हो गया, सब लोग का नींद ऐसे बढ़ जाता है। नींद नहीं है तो ऐसे बढ़ने से दूसरा बीमारी आता है। तो इसके लिए 5 तत्व ही चाहिए। केमिकल का दवाई जो है, मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, डॉक्टर चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लोग बैलेंस करते हैं, इलाज नहीं करते, इलाज शरीर खुद करता है। जैसे हड्डी टूटता है, डॉक्टर एक बैलेंस पे लेके आते हैं, लेकिन उसका क्रैक, उसका फ्रैक्चर शरीर खुद हील करता है, डॉक्टर नहीं करते। वो बैलेंस आज क्या है, सब बैलेंस इम्बैलेंस है। एक बैलेंस के पीछे लोग भाग के, कौन सा बैलेंस? बैंक बैलेंस। बाकी सब इम्बैलेंस है। तो वो लास्ट जरूरत पड़ने वाला चीज आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया लास्ट में, क्योंकि बच्चा पैदा होता है उसके पहले माँ के अंदर दूध आ जाता है। तो हमारी जरूरत कुदरत को पहला मालूम पड़ जाता है कि इसकी जरूरत क्या है, इसका भाग्य क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, वो अपने आप करते जाएगा। लेकिन शरीर हमको दिया है वो हमारा जवाबदारी है, वो कुदरत का जवाबदारी नहीं है। तो आज से आप लोग बैलेंसिंग एक्ट को पहला सीखो, नींद, खाना, श्वास, अग्नि का थोड़ा सा, ये सारा चीज बैलेंस में लेके तो स्वस्थ रहेगा। ओके, अभी थोड़ा सा हम बीमारी के बारे में बात करते हैं। जैसा किसी ने बोला ब्लड प्रेशर है, किसी ने बोला डायबिटीज है, कोई बोलता है आर्थराइटिस है, कोई बोलते हैं कैंसर है। अच्छा, आप लोग जाते हैं, कौन बोला ब्लड प्रेशर है, हाथ ऊंचा करोगे? अच्छा,
इतनी जब है ब्लड प्रेशर वाली, कभी पूछा डॉक्टर से कि ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर है वर्ड इंग्लिश का, पूछा कभी ब्लड प्रेशर क्या है? क्या कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू व्हिच ब्लड इज नॉट एबल टू फ्लो, नॉट एबल टू फ्लो नहीं, दैट इज नाउ, बट व्हेन यू बर्न इट वाज दैट प्रॉब्लम, नो. So what is blood pressure? Blood pressure is there from the day you are born. No? It started down. So what is blood pressure? Blood pressure is the count of the pressure pumping blood from head to toe is called blood pressure. Why? क्यों increase होता है? Blood pressure है आपका जो छाती हार्ट जो ब्लड पंप करता है सर से लेके पैर तक उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर. क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है? कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज. ओके एंड ओके अच्छा मैं एक पूछता हूं, पानी का पंप रहेगा ओके उस पंप में मैं तेल डालूंगा तो वही प्रेशर में पानी का प्रेशर में तेल पंप हो जाएगा ऊपर? क्यों? थिकनेस ऑफ द लिक्विड. यस. तो पानी जैसा खून जब तेल जैसा बन जाता है तब शरीर क्या करता है? प्रेशर को अपने आप बढ़ा देता है. और पानी जैसा खून तेल जैसा क्यों बनता है? तो क्या बदलना है? वो कोई नहीं बदलता है, एक गोली लेता है और प्रेशर को कम करता है और आगे चल के जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, पैर के नीचे दर्द और भी थोड़ा आगे गए तो अल्जाइमर, पार्किंसंस, और भी थोड़ा आगे गए मेमोरी लॉस. क्यों? खून नहीं पहुंचते सब जगह पे, प्रेशर आपने कम कर दिया. तो प्रेशर कम नहीं करने का शरीर बेवकूफ है. आपका ब्रेन से ज्यादा एक एक सेल इंटेलिजेंट है, परमात्मा ने ऐसा बनाया है. लेकिन मेडिकल साइंस और ये इंग्लिश जो आए हमारा मॉरल खत्म कर दिया और हमारा आयुर्वेद खत्म कर दिया. खाली आपको टेम्पररी रिलीफ, मतलब गोली लिया थोड़ा सा कम हो गया, 8 घंटे के बाद नेक्स्ट डोज नहीं लिया तो वापिस उधर ही. क्या फायदा? इलाज किधर है? ये साल 10 mg, अगले साल 25 mg, फिर 50 mg, फिर 100 mg, फिर बोलेंगे अरे स्टेंट डालना पड़ेगा, हार्ट में ब्लॉकेज है. क्यों ब्लॉकेज? क्योंकि पंप नहीं हो रहा है खून, प्रेशर कम है. कितने जन समझे मेरी बात को? सब समझे? सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं वो भी बोलिए. अच्छा मैं खाली दो बीमारी के बारे में बात करूंगा, एक डायबिटीज का किया, अभी कैंसर का बोलता हूं. कैंसर होता क्या है? किसी ने पूछा इधर, किसके घर पे, किसी के घर पे कैंसर है? हुआ था? है बराबर. पूछा कभी कैंसर क्या होता है? एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल्स. एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल, यस, बट व्हाई? ड्यू टू सम दैट डॉक्टर हिमसेल्फ डजंट नो. यू सेड इट राइट, मेडिकल साइंस डोंट नो व्हाट इट, द डिफरेंस बिटवीन कैंसर सेल, कैंसर सेल और नॉर्मल सेल का डिफरेंस है, कैंसर सेल जी रहा है एसिड पे और नॉर्मल सेल जी रहा है न्यूट्रिशन पे. तो कैंसर सेल क्यों एसिड पे जीता है? नहीं तो सब वो एसिड को खाता है, क्योंकि नहीं तो सब सेल कैंसरस हो जाएगा. अपने को बचाने के लिए, अपने को बर्बाद करने के लिए नहीं, बचाने के लिए. हमारा ही सेल है, हमारे साथ धोखा करेगा?
हमको बचाने के लिए अंदर जो भी होते हो हमारे बचाव के लिए, कभी डरो मत। अच्छा अभी यहां पर कचरा है, कचरे पे कॉकरोच आ गया, मैं कॉकरोच पे पेस्ट कंट्रोल किया, कॉकरोच मर गया, वापिस कचरा है, वापिस कॉकरोच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कौन बोला आएगा? क्यों आएगा? कचरा निकाला नहीं है इसलिए। इसी तरह जब आप कीमो करते हैं, कीमो करने के बाद इमीडिएटली आपको भेजेंगे पेट स्कैन करो और बोलेंगे आपका सब नेगेटिव सेल मर गया, लेकिन कारण वही रहता, कचरा उधर ही है। और आपने नया कॉकरोच पाने के लिए परमानेंट कर दिया, क्योंकि कीमो नस नस में एसिड भर देते हैं। अगर मैं आपको 6 महीना खाना नहीं दूं तो क्या हो जाएगा? 6 महीना खाना नहीं दूं, ऊटा कोड़े दिल लाए आर दिन के लिए ए लगते नहीं आरती ले ले मूर्ति ले ले होता। हाँ आप लोग नहीं रहेंगे, क्यों? शरीर को, सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो अगर मैं ऐसा खाना दूं, शरीर का सारा एसिड वॉश हो जाए और नया एसिड बने नहीं, वो कैंसर सेल बिना खाना का अपने आप मर जाएगा। तो क्यों हम और एसिड डालते हैं? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इल्लरी के बीच बीच में थोड़ा कन्नड़ा बोलेगा, जितना आते उतना समझ गया। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना कीमो अवॉइड करो, अगर कीमो किया तो भी उसके बाद आयुर्वेदा शुरू करो। हम वैसे ही जिएंगे, वही खाएंगे, वही श्वास लेंगे, वैसे ही सोएंगे, और हमको नया रिजल्ट चाहिए। कहां से नया रिजल्ट आएगा? पुराना कपड़ा निकालेगा नहीं तो नया कपड़ा पहन सकते हैं? कभी नहीं। इसके लिए परमात्मा ने गीता में लिखा है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न और मन वैसा तन। मैंने गीता से सिर्फ 2 ही बातें ली अपनी जिंदगी में, एक अन्न मन तन, जिससे मुझे आयुर्वेदा बनाने में बहुत आसान हुआ, और दूसरा जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो अच्छा। सत्य के सागर परमात्मा बोलते हैं कैंसर हुआ नो प्रॉब्लम बोलने का और उसके ऊपर विश्वास करने का और उसकी पूरी प्रकृति पर विश्वास करने का। 2 चीज इंप्रूवमेंट करना पड़ता है हमको इलाज करने के टाइम पे, एक है मन और एक है तन। मन को अच्छा नहीं किया तो तन अच्छा नहीं होगा। मेरे वहां पेशेंट आते हैं, मैं पहला महीना इलाज नहीं करता हूं, पहला महीना खाली उनको एक किताब में लिखवाता हूं, किसको सोच के गुस्सा आता है, किसको सोच के डर लगता है, किसको सोच के जलस होता है, उन सबका नाम लिखो और उन लोगों को फोन करके बोलो मुझे आज से मैं तुम लोग से डरूंगा नहीं, आज से मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, सिर्फ प्रेम करूंगा, और आज से हमारा कोई कंपटीशन नहीं, हम और तुम भाई भाई। जब तक ये नहीं करता हूं तब तक बाकी का इलाज नहीं शुरू करता हूं, क्योंकि गंदा थाली में अच्छा खाना नहीं खा सकते। थाली मन, तो थाली में अच्छा चीज रहेगा तो ही शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो मन सबसे पहले। तो मैं देखता हूं कैंसर पेशेंट मेरे पास आते हैं, उनको इतना डराया डालता है, रोते हैं परिवार वाले रोते हैं। मेरा वहां कानून है, अगर कोई रोते हुए आया एक छापड़ मारना बोल के, क्या मैं जिंदा हूं अभी मत रोना बोल के क्या? और कोई भी
तुमको खाली हंसने के लिए आता है तो आने का, नहीं तो मिलने का नहीं मिलो, मेरा ये सबसे पहला कानून है। क्योंकि शरीर अच्छा होने के लिए मन को सुख, मन को शांति रहना जरूरी है। तो इस तरह से मन और तन को बैठी कर पाओ। अच्छा, ये शरीर के नीचे सब लोग चेक करते हैं, डायबिटीज कैसे मान पड़ता है, ब्लड से। थायराइड कैसे मान पड़ता है, ब्लड से। यूरिक एसिड कैसे मान पड़ता है, ब्लड से। जॉन्डिस कैसे मान पड़ता है, ब्लड से। बुखार कैसे मान पड़ता है, कौन सा टाइप का बुखार है, ब्लड से। बराबर। लिवर प्रॉब्लम कैसे मान पड़ता है, ब्लड से। किडनी प्रॉब्लम, ब्लड से। कैंसर मार्कर टेस्ट से 95% ऑफ द बीमारी ब्लड से मालूम पड़ता है। बराबर है कि नहीं? ओके। और तो मैं इसलिए लोगों को क्या बोलता हूं, गले के नीचे आप लोग चेक करते हैं, उसको बंद कर, क्योंकि पार्ट्स बुरा नहीं है, इसको चलाने वाला जो फ्यूल है वो गलत है। पेट्रोल का गाड़ी में गैसलेट या डीजल डालेगा गाड़ी चलेगा? नहीं चलेगा। इससे ही अपना फ्यूल जो अच्छा रहता है वो टॉक्सिन जाने की वजह से गलत हो जाता है, इसके लिए वो पार्ट्स थोड़ा खराब हो जाता है। समझ गए? तो हमको गले के नीचे बिल्कुल चेक नहीं करने का, सिर्फ ये चेंज, खाना, श्वास, नींद, सोच और सुनना और बोलना। प्रॉब्लम इधर, सॉल्यूशन इधर, लेकिन ये एड्रेस पे कोई आता नहीं है। गलत एड्रेस पे आपको सही सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? उनका प्रोफेशन बंद हो जाएगा। उनका प्रोफेशन बंद हो जाएगा, उनका भला होने को। उन लोग अपना कर्मों का हिसाब खत्म करने में मदद करते हैं, तो उनके लिए बुरा मत सोचो, अपने लिए अच्छा सोचो। बीमारी मतलब बहुत खुश हो जाओ, क्यों? क्योंकि बीमारी एक ऐसा चीज है जो कर्मों का हिसाब खत्म करते हैं, सिर्फ हमको इफेक्ट करके। तीन चीज से कर्मों का हिसाब खत्म होता है, बताएंगे कैसे? एक बीमारी से, दूसरा रिश्तों से, तीसरा यार, एक बीमारी से, एक रिश्तों से। अगर कोई रिश्ता गुजर गया तो सारा परिवार को फर्क पड़ता है। अगर धन खत्म हो गया सारा परिवार को फर्क पड़ता है। लेकिन बीमारी से हमारा आंख दिख रहा है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, थोड़ा सा तकलीफ 2%, लेकिन हम आत्मा से शुद्ध होते जा रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं। एक डायमंड रहते हैं ना, उसको काट काट के उसका एलॉयस निकालते हैं, कांच का टुकड़ा रहता है, लेकिन वो अंत में बनता क्या है, डायमंड। दर्द बहुत होता है उसको, लेकिन वो अंत में डायमंड बनता है, और वो एक भी जौहरी नहीं ढूंढता है, लाखों जौहरी उसको ढूंढते हुए आते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल कभी बीमारी से डरिए मत, खुश हो जाइए, बोलिए बाबा, बाबा बोलते ना, बाबा, बस बाबा बोलिए, हमारा कर्मों का हिसाब खत्म, हम फिर से स्वस्थ। ओके, तो गले के नीचे चेक मत करना, ये चेंज चेक करना, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। बस खाना सबसे इंपॉर्टेंट, आहार, आहार और बाद में ऑक्सीजनेशन। हमको तो पता भी नहीं चलता है कि हम श्वास ले रहे, लोगों भूल भी जाते हैं श्वास ले रहे बोल के। हाँ, इसी तरह बाबा ने जिंदगी बनाई है। बाबा क्या बोलते हैं, सब कुछ इस दुनिया में तुमको दिया बच्चा, बस तुम एक ही चीज करो, खुश रहो, और हम वही नहीं है। तो हमको खुश रहना है, जो जो जिंदा है वो खुश है। जैसा शरीर के लिए श्वास का इंपॉर्टेंट है, अगर श्वास नहीं है तो शरीर बेकार है, उसी तरह जिंदगी में अगर खुशी नहीं है तो जिंदगी बेकार।
जहां खुशी है वहां खुशबू है, खुशबू अपने साथ हमेशा रखना, क्योंकि खुशबू साथ रहेगा तभी हमको दूसरों का बदबू का मालूम पड़ेगा। जैसे एक सिगरेट पीने वाला है, उसको कभी अपना बू मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नॉन सिगरेट स्मोकर उसके बाजू में आके बैठेगा उसको इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा कि ये स्मोकिंग करता है। तो खुश रहना बहुत जरूरी है शरीर के लिए, एक एक सेल खुशी से अपना हो उसको। कभी डरो मत कैंसर कोई भी चीज से, कभी भी, और किसी को डराओ मत। बस दवा सिर्फ 15 दिन 1 महीना एक बैलेंस लेके आने के लिए, बैलेंस आ गया फिर उसके बाद शरीर अपना काम करना चाहिए। तो उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने लगा, खाना चेंज, रोज थोड़ा सा टाइम स्वास्थ्य के लिए, रात का सोना बराबर और शरीर स्वस्थ बराबर। अच्छा, शरीर कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, कैसा बोलेंगे, ब्रीदिंग ऑटोमेटिक, हार्ट पंपिंग ऑटोमेटिक, और दूसरा डाइजेशन एलिमिनेशन ऑटोमेटिक, बोन्स ग्रोथ ऑटोमेटिक, मसल ग्रोथ ऑटोमेटिक, बाल का ग्रोथ ऑटोमेटिक, नखून का ग्रोथ ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक बराबर। फिर इलाज के लिए क्यों इतना ढूंढते हैं तुम, वो क्यों नहीं ऑटोमेटिक हो सकता है, उसके लिए क्यों इतना एनालाइज एनालाइज एंड फाइनली पैरालाइज। परमात्मा को छोड़ के हम गूगल को गॉड बना दिया आज, ये कुछ हो गया गूगल करो, और गूगल ये भी बताते ये भी बताते ये भी बताते और ये भी बताते, अभी उसमें से क्या चुनेंगे हम, कॉमन सेंस नहीं है आज हमारे में, कॉमन सेंस वीक हो गया। एक बूंद से लेके पूरा शरीर बनने तक कोई साइंस है, साइंस उसके बाद शुरू हो जाता है, तब तक साइलेंस है। तो बस जब तकलीफ आती है तो साइलेंस में, जैसे ही बाबा बोलते हैं साइलेंस, ये सच है, क्योंकि हर चीज एक बीज पूरा पेड़ बनने तक साइलेंस है। इतना बड़ा सूरज पूरी धरती को रोशनी करता है, रत्ती भर आवाज है। हमारा मन साइलेंस नहीं है इसके लिए सोल्यूशन नहीं। एक स्टिल वाटर रहता है, पानी जिधर स्टिल रहता है उसमें आपका चेहरा पूरा नजर आएगा, बॉइलिंग वाटर में आपका चेहरा नजर आएगा नहीं आएगा। उसी तरह सॉल्यूशन चाहिए तो माइंड को स्टिल करना पड़ेगा, और स्टिल कैसा होएगा, एक्सेप्ट नो प्रॉब्लम। कोई बोलेगा तुम 2 महीने में मरने वाला है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मालूम नहीं है वो कब आए और कब जाएगा। कोई यहां भगवान नहीं है, परमात्मा को ही मालूम है कब हमको लेके जाएगा, और परमात्मा लेके जाता है जैसा बच्चे का चोला माँ बदलती है, इतना प्यार से बदलती है कि बच्चे को दर्द नहीं हो, उसी तरह वो हर जन्म का माँ बाप कितना प्यार से करेगा। तो फिर मरने का डर किस बात का, वो चोला बदलेगा, लेकिन मरने से पहले डरना, रोज डरना इस रोज मरना। कोई बात से डरो मत, डर आया बोलो शैतान जाओ तुम, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मुझे डर नहीं है किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि ये शरीर परमात्मा ने बनाया है वही संभालेगा। और ये चेंज पे ध्यान दो, 100% सॉल्यूशन। अच्छा, जिस तरह शरीर ऑटोमेटिक है उस तरह हमारा जिंदगी भी ऑटोमेटिक है, कैसे बोलोगे।
जिस तरह शरीर ऑटोमेटिक है उस तरह हमारा जिंदगी भी ऑटोमेटिक है। बहुत सिंपल है। रात और दिन और जन्म और मृत्यु। और किसने इधर अपने माँ बाप को ढूंढा? कोई है इधर जिसने अपने माँ बाप को ढूंढा? माँ बाप नहीं ढूंढा, शरीर नहीं बनाया, उसमें प्राण नहीं डाला। बच्चा पैदा होने के टाइम पे माँ के अंदर दूध रेडी, माँ को ढूंढना नहीं पड़ता है मेरे बच्चे को क्या खिलाओ। उसके बाद उस बच्चे के लिए स्कूल, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, दवाई, पुस्तक रेडी 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 रेडी। बच्चे को ढूंढना पड़ता है। 20 साल तक बच्चा बिना प्लान किए उसकी जिंदगी में उसको सब कुछ मिल जाता है। और जैसे ही बच्चे को थोड़ी बुद्धि आ जाती है, अभी मैं प्लान करूंगा, बस खत्म। उस दिन से डर शैतान, स्ट्रेस शैतान, सब कुछ आ जाता है। मेरे को कोई पूछता है कल का प्लान आपके पास? नहीं है। कल आप मिलोगे? हाँ, मेरा हाँ है, लेकिन मेरा दूसरा हाँ परमात्मा का है। वो हाँ बोलेगा तो जरूर मिलूंगा। दो हाँ का इंतजार करता हूं। मैं हाँ बोल देता हूं क्योंकि बाबा ने बोली में बताया ना कि हाँ जी बोलो तुम्हारा हाँ जी का ये मैं रखूंगा। हाँ जी शुक्रिया, दो वर्ड बाबा ने सिखाया, तो मैं हाँ बोलता हूं। तो इस तरह से ज्यादा प्लानिंग मत करो। आज का दिन दिया, आज का दिन अच्छा जी, अच्छा खाओ, अच्छे कर्म करो और अच्छा सोचो। कल का दिन वो गलत देगा ही नहीं। वो देना ना कैसा गलत होगा, डर किस बात का? आज का दिन शैतान का हाथ पकड़ा तो कल शैतान आपके हाथ साथ है तो गलत ही होगा। बराबर। अच्छा, अभी हम थोड़ा आदत बदलने के लिए बात करता हूं। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसका वाइफ आर्थराइटिस ठीक हो गई, तो उसको लेके आए। वो बैठने के लिए राजी नहीं है, तो उसको पूछा मैंने कि क्यों बैठ नहीं, क्यों ले गए? बोला मैं ईमानदार आदमी हूं, मेरा बीवी जबरदस्ती लेके आया, मैं 100 डॉक्टर के पास गया और मेरा इलाज उन लोग मना किया करने का क्योंकि मैं 2 पैकेट सिगरेट पीता हूँ और मुझे ब्रोंकाइटिस है और मेरे को मालूम है कि मैं सिगरेट छोड़ूंगा नहीं, तो मेरे को तुम गेट आउट करने से पहले मैं खुद जाना चाहूंगा। मैं बहुत इंसल्ट फील किया उस वजह। तो मैंने बोला भाई 2 पैकेट सिगरेट पी रहे हो ना, कल से 3 अलाउड है तुम। कितना? 3 अलाउड है। बोलते आप मजाक कर रहे हैं। उस दिन मेरा क्लिनिक में बाहर 15 पेशेंट वेट कर रहा था। बोला अगर मैं मजाक करता था तो वही 15 आदमी लोग वेट करेगा मेरे लिए। बोला अगर आप मेरे को सिगरेट पीना अलाउ करोगे तो मैं पूरी बातें आपकी सब कुछ फॉलो करूंगा। मैं बोला पक्का वायदा? बोला 100%। बोले बैठो, आपका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया बराबर, तो अभी आप मेरा बात सुनो। 1 महीने के लिए कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो और कितना भी सिगरेट पियो, बस 1 सिगरेट का 1 कश लेने के बाद आपको सोचना है कि ये मुझे, मेरे परिवार को बर्बाद कर रही है। तो बोले ये क्या करूं मैं, इससे क्या होगा? मैं बोला आपने वायदा किया है कि आपको अगर सिगरेट पीने के लिए मजबूर तो आप बाकी का सब काम करोगे। तो बोला मैं करूंगा लेकिन ये ड्रामा है, ये मुझे आपको कैसे मालूम पड़ेगा मैं नहीं करूंगा? मैं बोला वो भी मुझे मालूम पड़ेगा कि आपने नहीं किया है। बोला लेकिन अभी मैं आपका मेहनत देखना चाहता हूँ, मैं अभी सब बातें एक साथ नहीं सोल्यूशन दूंगा ना समझाऊंगा। तो बोला ठीक है मैं 1 महीने के बाद करके आता हूँ। 21वें दिन पे फोन आया, सर 8-10 सिगरेट फेंकने लगा हूँ, बहुत डर लग रहा है, क्या हो रहा है? तो बोला 30 दिन पूरा करो, आ जाओ मैं बताता हूँ।
20 दिन के बाद आया, बोला कि आपने सबसे पहले मुझे क्या बोला, मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी, कहाँ से आया हो, वो आपका संस्कार बन गया, सोच बन गया, स्कूल से, पेरेंट्स से, परिवार से, सोसाइटी से आपने ये सीखा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह जब पहली दफ़े आपने सिगरेट पिया, आपका कॉन्शियस आपको बोला कि अच्छी चीज़ नहीं है, अरे नहीं मज़ा आ रहा है, अरे नहीं मज़ा आ रहा है, अरे दोस्तों के साथ सिगरेट मज़ा आ रहा है, अरे अकेलेपन का साथी सिगरेट है, सिगरेट इन अ हैंड फील लाइक अ मैन, बस उस मज़ा को इतना स्ट्रांग किया है। आज आपको भी पता है कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके पास पावर नहीं है छोड़ने के लिए, तो मैं क्या किया, आपका जो मजा को मैंने थोड़ा सजा कर दिया, और उस डर की वजह से आप आजाद सिगरेट फेंकने लगा, बस इसको कंटिन्यू रखो। 9.5 महीने में उसने पूरा सिगरेट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ब्रोंकाइटिस का इलाज किया। जब तक आपके अंदर पावर नहीं आता है, आप कोई भी नया चीज नहीं कर सकते, और पावर खाली सोच, दुख सोच में, खुशी सोच में, प्यार सोच में, नफरत सोच में, सो बदल खाली सोच, बस सोच को बदला सब कुछ बदल जाए। आप हर पल सोचते रहो मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ, आप स्वस्थ होते, आपको इलाज मिलते जाएगा, आप ऐसे लोगों से मिलते जाओगे जहां आपको मन पड़ेगा कि ये आदमी आपको मदद किया है। तो आप लोग बस सोच, खाना, स्वास्थ्य, नींद और अच्छा सुनना और अच्छा बोलना। अच्छा, कितनों ने जंगल गया, कोई जंगल गया, गया उधर कोई मेडिकल शॉप मिला नहीं मिला, अरे 84 लाख योगी जी ने और एक भी मेडिकल शॉप नहीं, खाली इंसान के लिए मेडिकल शॉप। सोचो 84 लाख योगी पूरी जिंदगी अपने बलबूते में जीते, इतना कम नॉलेज लेके, इतना कम बुद्धि लेके, उनको ना इलाज का जरूरत है, ना डॉक्टर का जरूरत है, ना मेडिकल शॉप का जरूरत है। बराबर बोल रहा हूं क्या, गलत बोल रहा हूं? बस ये याद रखो, जानवर से दो बातें सीखने का, एक बात क्या है, उन लोग इलाज का डर नहीं होगा, बराबर, और दो बातें सीखने का, एक अंदर क्या डालने का और एक अंदर से बाहर क्या निकालने। अंदर क्या डालेंगे, फ्यूल, बाहर क्या निकालेंगे, बाहर क्या निकालेंगे, बाहर वेस्ट कैसा निकालेंगे। अंदर फ्यूल डालेंगे, बाहर मीठा बोल निकालेंगे। तो शरीर स्वस्थ, मीठा बोल से रिश्ता स्वस्थ, जिंदगी में ये दो ही प्रॉब्लम रहता है, एक शरीर का प्रॉब्लम और एक रिश्तों का प्रॉब्लम, किसी से गुस्सा, किसी से नफरत, किसी से भाई भाई जमता नहीं, भाई बहन जमता नहीं, माँ बाप से जमता नहीं, दोस्तों से जमता नहीं, रिलेशन से जमता नहीं, मियाँ बीवी का जमता नहीं, क्यों, क्योंकि शब्द मीठे नहीं है। मीठा शब्द बोलो तो रिश्ता स्वस्थ हो जाएगा, और अच्छा आहार डालो तो शरीर स्वस्थ हो। बराबर, कितनों को ठीक लगता है सारी बातें, वेरी नाइस। तो लास्ट में हमको एक किताब चाहिए, मेरे को आप लोग सब लोग के पास, ओके, उस किताब का हेडिंग होगा ब्लेसिंग बुक। आज हम ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं, जब भी दादियों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, हमारा खुद का ब्लेसिंग बुक होना चाहिए। क्या लिखना चाहिए उस ब्लेसिंग बुक में, क्या लिखना चाहिए, समथिंग पॉजिटिव अबाउट अस, व्हाट इज द पॉजिटिव सिस्टर, ब्लेसिंग लिखने का
माँ बाप है, भाई बहन है, आज खाना मिल रहा है, छत है, चश्मा है पहनने के लिए, कपड़ा मिला है पहनने के लिए, अपने को सेंटर मिला है समझने के लिए, लौकिक भाई बहन है, अलौकिक भाई बहन है, परमात्मा है, सूरज निकला है मेरे लिए, फूल खिल रहे हैं मेरे लिए, हवाएं चल रही है मेरे लिए, इतना पॉइंट्स ब्लेसिंग सा मिलेगा कि जिंदगी खुश 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 खुश, और उसके बाजू में अपना जिंदगी का दर्द लिखना, जरा चार पांच पॉइंट रहेगा। तो पांच पॉइंट के लिए आप वो हजारों चीज को खोदोगे? बिल्कुल नहीं। ये ब्लेसिंग को भूलना मत। मेरे पास एक लेडी आई, वो डिप्रेशन, 7 साल से डॉक्टर के पास घूम रही है, 2 दिन की गोली और 3 डिप्रेशन टैबलेट, रात को 2 घंटा नहीं सोती है। तो उसको पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तो बोली, बोलने लगी तो मेरी कागज में अंग्रेज पे लिखो, तो 9 पॉइंट्स लिखा है, थोड़ा अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज सब था। मैं बोला अभी लिखो तुम्हारी जिंदगी में खुशी क्या है, बोली मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं। तो मैंने उसको एक वीडियो ओपन करके बोला कि ये एक लड़की को दिखाया जो 24 साल की थी और उसको गले से नीचे पैरालिसिस हो गया था, एक्सीडेंट, रिक्शा का एक्सीडेंट होके उसकी शादी थी नेक्स्ट मंथ, वो शादी भी टूट गई पैरालिसिस होके। मैं बोला मैं इसके घर पे गया, मैं हर हफ्ते उसके घर पे जाता हूँ। तो बोलती है अंकल कल, वो रो रही थी, बोला कल कोई नहीं था मेरे लिए एक ग्लास पानी देने के लिए, रात भर प्यासी थी। मैं बोला आपका हाथ चल रहा है, आपका पैर चल रहा है, आपको दिख रहा है, आप सोच रहे हैं, ये सब आप इसके सामने आपका ब्लेसिंग नहीं है, आप खुश नहीं होना चाहिए। तो रोने लगी, 8-10 घंटा रोती रही। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कभी रोने से रोकना मत, डी स्ट्रेस करने के लिए परमात्मा ने वो एक तरीका रखा है। भाइयों बहनों कोई भी हो, रोना आए तो फूट फूट के रोना, कभी शर्माना मत, नहीं तो अपने को डिप्रेशन स्ट्रेस उसकी वजह से बढ़ा है। बाबा बोलते हैं हाँ, तो रोना, ओके, रोके निकाल देना उस बात को, और उसके बाद 2 प्रॉब्लम करना। मैंने बोला अभी आपको याद नहीं आएगा क्योंकि 7 साल से आप खाली 9 पॉइंट पे ध्यान दिया, अभी आप अगले कमरे में जाओ और 1 घंटा बैठो और सोचो मेरी जिंदगी में क्या क्या है। 1 घंटे के बाद वापिस आई, 320 पॉइंट्स लिख के लेके आए 1 घंटे में, अगर 1 दिन देता तो 1,500 लिख के आती। तो उसको बोला अभी आज से 1 महीने के लिए कुछ भी खाने का, ब्रेकफास्ट लंच इवनिंग स्नैक्स और डिनर, लेकिन वो खाने से पहले ये 320 पॉइंट पढ़ के खाने का, उसके बाद खाने का। तो बोली इससे क्या होगा, ये क्या ड्रामा है? मैं बोला ये आप करो फिर मैं बताऊ, अभी आप करो। किया, मानना का लास्ट में मेरे को फोन आया उसका, सर मैं अभी थोड़ा अच्छा सोने लगी, मैंने गोली बंद नहीं किया लेकिन सो नहीं रही, मेरा क्या हो रहा है? मैं बोला आ जाओ मैं बताऊँ। मैंने बोला आपने जिंदगी में सिर्फ नेगेटिव पे ध्यान दिया, पॉजिटिव पे ध्यान नहीं दिया, तो वो पॉजिटिव पे ध्यान आपने देना शुरू कर दिया तो मन अपने आप शांत हो गया। मन नेगेटिव पे सोचने के टाइम पे विचलित हो जाता है और पॉजिटिव पे सोचने के टाइम पे शांत हो गया, आपका मन शांत हो गया। और आज उसका भी 1 साल में सब डिप्रेशन गोली सब बंद किया, अभी वो मेरे साथ काम करना चाहती है, सेवा करना चाहती है। तो इसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग सब लोग एक ब्लेसिंग बुक रखो और उस पर लिखो, और कभी भी कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आए उसको बाजू में लिखो, ताकि याद रहेगा कि आपके पास इतने सारे ब्लेसिंग्स हैं। और ये 2 पॉइंट ऐसे ही निकल जाएंगे।
क्या क्या लग रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ आप लोग को? हाँ एकदम सही, बिल्कुल सही। ठीक है, मेरी बातें खत्म हो गई है, दोबारा आऊंगा, दोबारा बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग के पास कुछ क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा। Any questions? Yes. Can you stand up and... You mentioned there are certain food which cause acidity or acid in the body. Is there some... do you recommend certain food that we consume and certain that we can probably... Five foods. One is milk, sugar, oil... Salt. Grains made, wheat. और नॉन वेजिटेरियन, ये वीट पांच चीज मत खाओ, ऑयल शुगर वीट मिल्क। मेरे को किसी ने पूछा कृष्ण किस टाइम से चली आ रही प्रथा, आप क्यों बंद कर रहे? मैंने बोला कृष्ण के टाइम पे भाई साहब गाय घास चलती थी, आज गाय को स्टेरॉइड्स देते हैं। कृष्ण के टाइम पे फ्रिज नहीं था, दूध धोते थे, गर्म करते थे, पी जाते थे। कृष्ण के टाइम पे 6-6 महीने का पैकेजिंग नहीं था, प्रिजर्वेटिव नहीं था। तो इसके लिए दूध बच्चों को भी मत पिलाना। दूध पीना है, नारियल का दूध, तिल का दूध, बादाम का दूध, शिंग का दूध, ये पीना थोड़ा, एक ग्लास एवरी डे। दूध में भी जो फ्रेश निकालते हैं कंपनी का नहीं? नहीं, मैं कोई दूध को ये नहीं करता क्योंकि आज क्या कलयुग है, कंपनी वाले भी जैसे आपने बोला नारियल दूध, तिल नहीं, घर पे निकालने का पैकेज वाला नहीं। आयुर्वेदा डजंट बिलीव इन पैकेज फूड, नो पैकेज फूड, घर पे बनाओ, सब फ्रेश बनाओ। टिन नहीं खरीदने का, नो पैकेज, ओके? तो ये इंपॉर्टेंट है। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्यों होता है सर? भाई साहब एज रिलेटेड, जब टॉक्सिन्स खाते हैं ना, शरीर एसिड को ऊपर जमा नहीं करता है, सब पैरों में धकेलता है। इसके लिए डायबिटीज हो तो पैरों में प्रॉब्लम, आर्थराइटिस हुआ तो पैरों में प्रॉब्लम, यूरिक एसिड हुआ तो पैरों में दर्द। 90% ऑफ द प्रॉब्लम पहले पैरों से शुरू होता है। मेरे पास एक लेडी आई, दोनों घुटनों को चेंज करने का था उसको। मैं बोला क्यों चेंज करने का है भाई? बोला डॉक्टर बोला जीज क्या बोलते। मैं बोला क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया परमात्मा ने घिसने के लिए? जो चीज जल के जलता नहीं है हड्डी, पूरा शरीर जला हुआ नहीं जलता है, बराबर? अस्थि डालने जाते हैं ना हम लोग, तो वो घिसेगा कैसा? मैं बोला 9 लाख रुपए उसको बोला नी रिप्लेसमेंट का। मैं बोला मैं खुद खर्चा करूंगा अगर आप 6 महीने के लिए रुकेंगे तो। वो तीसरा माले में रहती थी, 15 साल से नीचे नहीं उतरी थी दर्द के मारे। आज 11वां महीने में वो कंप्लीटली हील हो गई है और आज 3 माला 3 टाइम ऊपर नीचे जाती है। सब कुछ पॉसिबल है। अरे प्राण शक्ति हम भूल जाते हैं, प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति अपना प्राण को शक्तिशाली बनाती है। हर अनाज में, हर दाने में, हर प्लांट में, हर सब्जी में, हर फल में प्राण है। हम उस प्राण को खत्म कर देते हैं। तो मेरा, मैं ईमेल आईडी छोड़ देता हूँ, मेरा नंबर छोड़ देता हूँ, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है आप लोग कंसल्ट कीजिए और आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे। मुझे परमात्मा पर विश्वास है क्योंकि मैं उनको बोलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं कोई मैजिक नहीं करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ मेरे पास भेजो मत, भेजा तो उसका इलाज जरूर करना बोल के। लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आप सवेरे फल रात को फल दोपहर में भोजन,
उसका जैसे माइंड प्रिंसिपल जनरली हम जनरली चाहिए वो की नोट उनको दे देंगे हाँ. तो हम उसमें लाने का कोशिश ठीक है. सो दिन में 2 किलो फल खाने हाँ तो फार्मर्स को भी थोड़ा मदद मिल जाएगा. ओके, 2 किलो फल और सबसे बेस्ट फल कौन सा है मालूम है? केला. ओके, माँ के दूध के बाद अगर कोई कंप्लीट फूड है वो है बनाना. मैं केला क्यों बोलता हूँ? आयुर्वेदा खाली पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल के लिए नहीं है, आयुर्वेदा है पूरी दुनिया के लिए. केला 40 रुपए का. ओके, और पेट भरता भी है और प्यास बुझता भी है. डायबिटीज पीपल एक डजन केला और एक डजन आम रोज खाओ, डायबिटीज एकदम नॉर्मल कर देगा. मैं समझ गया. हाँ, वो डरो मत. जो भी डायबिटीज जो भी इलाज है वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट करो तो क्या मैं पूरा आप लोग को एक प्लान दे दूंगा और आपका डायबिटीज आप देखो 6 महीने के अंदर दवा हो. एक लेडी मेरे पास आई जिसका पैर काटने वाला था गैंग्रीन होके, उसका पैर भी बचाया और वो 25 यूनिट इंसुलिन लेती थी, इंसुलिन कंप्लीटली बंद कर दिया. आज वो डायबिटिक भी नहीं है और इंसुलिन भी नहीं है. ओके, तो 2 किलो फल पूरा दिन में तो पेट भरेगा, दूसरा कुछ खाना याद नहीं आएगा. ओके, फल उसके बाद 1 किलो सब्जी. 1 किलो सब्जी नहीं खा सकते हैं. 700 ग्राम वेजिटेबल, 700 ग्राम्स अनकुक्ड. ओके, 700 ग्राम्स अनकुक्ड वेजिटेबल शुड बी जूस्ड. दूधी काकड़ी टमाटर जिसका जूस निकाल सकता है वो जूस निकाल के 300 ml दोपहर को, 300 ml शाम को. ओके, जो सस्ता फ्रूट है ना, महंगा मत लेके आओ, कीवी ये सब मत लेके आओ, सस्ता जो लोकली अवेलेबल है. मैंगो काट होने दो, कशी होने दो, कोई भी चलेगा. महंगा मत देखो, सस्ता. ओके, वेजिटेबल भी लोकली, काकड़ी जूस, दूधी टमाटर जो मिलता है उसका जूस निकाल के 700 ग्राम निकालेगा तो 250 से 300 ml जूस मिलेगा दो टाइम. 1 घंटा खाने से पहले पीने का, 1 ग्लास में नींबू निचोड़ देगा. ओके, और बाकी 200-300 ग्राम जो सैलेड वेजिटेबल बचेगा वो वेजिटेबल का थोड़ी सब्जी बना के, सब्जी को स्टीम करो, उसको कुकिंग मत करो पानी में, स्टीम करके फिर उसका मसाला जो डालने का वो डाल के पकाओ, क्योंकि उसको बॉईल करते हैं ना उसका न्यूट्रिशन खराब हो जाता है. ये माताओं के लिए बताता हूं मैं. ओके, तीसरा, रात को शाम का खाना जो है वो 7 बजे खा लेने का. ऐसा खाना खाने का जो 10 बजे तक आपको हजम होना चाहिए. अगर मैं गाड़ी लिया और कंपनी बोला 10 साल का जिंदगी और मैं गाड़ी चलाया दिन भर और शाम को लाके गाड़ी को पार्क किया, इंजन स्विच ऑफ नहीं किया, हेडलाइट बंद नहीं किया, जाके सो गया मस्त, दूसरा दिन उठा वापिस गाड़ी चलाया वापिस इंजन बंद नहीं किया वापिस वैसे ही सो गया, मेरा गाड़ी कितना चाल चलेगा? 2-3 साल बराबर 10 साल का गाड़ी. उसी तरह 150 साल का जिंदगी. गीता खोलो, बाबा बोलते 150 साल का जिंदगी. 150 साल का जिंदगी 50 साल में 150 साल जैसा हो जाता है क्योंकि शरीर सोता नहीं है. रात को खाना खाके ऑयली फूड दही सब खाके सोता है पूरा रात, हाई डाइजेशन चालू रहता है. डाइजेशन चालू मतलब हार्ट लिवर किडनी स्प्लीन लंग्स इवन ब्रेन, क्योंकि ब्रेन को बताना पड़ता है कौन सा डाइजेस्टिव जूसेस डालना पड़ता है डाइजेशन के लिए. खाली मन और बुद्धि सोता है, इसलिए सुबह उठने के टाइम पे दर्द होता है शरीर में, प्यास लगता है, एनर्जी नहीं फील होता है, थकावट फील होता है. तो क्योंकि ये होता है, अगर ये हुआ तो याद रखो पिछला दिन का खाना बराबर नहीं था. मैं एक ही खाना खाता हूं दोपहर को, सुबह 12 बजे तक फ्रूट, दोपहर का एक खाना, शाम को वापस फ्रूट. ओके, 6 केला भी बस हो जाता है. अच्छा, सुबह उठ के 1-2 लीटर पानी कौन पीता है?
कितना जन पीते हैं पानी सुबह उठ के? सब लोग पीते हैं? वेरी गुड, आज से एक बूंद भी नहीं। हाँ, मैं 5-5 दिन पानी नहीं पीता हूं। पानी पिएगा पूरा डाइजेस्टिव जूसेस वीक हो जाते हैं। एम्प्टी स्टमक यू शुड नेवर ड्रिंक वाटर। खाना कब खाते हैं आप लोग? खाना कब खाते हैं? 2 बजे। खाना कब खाते हैं? खाना कब खाते हैं? When we are hungry। तो पानी कब पीने का? तो 2-2 लीटर 5-5 लीटर का स्विमिंग करने का? गुट बाई गुट मैं दिखाता हूँ आपको पानी कैसा पीने का, वो भी उसको वो भी सिखाता हूँ मैं। हॉट वाटर कैन बी, हाँ ये देखो ऐसा पानी पीने का कभी भी। दस घुट हो गया और एक माउथफुल ऑफ वाटर मेरा प्यास को कभी से प्यास लगा था। समझ गया, पूरा मुंह भर देने का, पूरी उतारने का। ग्लास में पानी पड़ा है फेंक देना, अगर शरीर बोला आई एम क्वेंच्ड, मेरा प्यास बुझ गया, एक्स्ट्रा पानी मत पीना, शरीर का सुनना। समझ गया, पानी चेक करने का है ना शरीर का, तो यूरिन जो है वो कलरलेस और वास नहीं देना चाहिए। शरीर का पानी बराबर है, शरीर का पानी बराबर है, ठीक है। जब आप 2 किलो फ्रूट खाएगा, वेजिटेबल जूस पिएगा, आपको प्यास लगेगा ही नहीं। प्यास कब लगता है? शक्कर वाला खाना खाता है, तेल वाला खाना खाता है, ज्यादा फर्मेंटेड इडली डोसा ज्यादा खाता है तो होता है। तो यही तो चल रहा है, समझ गया। सो पानी उतना ही पियो जितना प्यास है, खाना उतना ही खाओ जितना भूख है। क्या प्लेट में पड़ा है किसी को खुश करना है? स्टॉप इट, किसी को खुश मत करो, पहले खुद को खुश करो। अपने अंदर खुशी रहेगा तो दूसरों को मिल जाएगा अपने। समझ गया, बोल देने का। अभी मेरे को कल रात को पूछा आनंद भाई ने, अपना अभिराम भाई ने खाना खाएगा, मैं बोला नहीं, मेरे को, मैं उन लोग को खुश करने के लिए हाँ बोल सकता था, मैं बोला नहीं मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ, मेरे को थोड़ा सा फल दे दो। समझ गया, सो डोंट मेक एनीबडी हैप्पी स्पॉइलिंग योर हेल्थ स्पॉइलिंग योर बॉडी, ओके। हाँ जी, व्हाइट राइस रेड राइस देखो क्या है, जो 5 सीटी लगता है पकने के लिए वो पचने के लिए भी टाइम लगता है, ओके। बेस्ट इज मिलेट्स, अपना बैंगलोर इज फुल ऑफ मिलेट्स। क्या रागी है, नाचनी है, ज्वार है, बाजरा है, वो बेटर है क्योंकि उसमें ग्लूटेन कम है। चीतक वीट को हाथ ही मत लगाना क्योंकि मैदा उसी की बहन है, पूरा ब्लॉकेज शुरू हो जाता है वीट से, तो वीट को हाथ मत लगाना। जवार, बाजरा, नाचनी, वो भी दोपहर को, शाम को कुट्टू, मकाई, साउथ इंडियन वाले लोग को कुट्टू मालूम भी है, वरी वरी मालूम है, वरी गुजराती महाराष्ट्रंस वरी बोलते हैं और गुजराती सांगम बोलते हैं, व्रत वाले चावल मालूम है, वो शाम को खाना, पेट भर के खाना। देखो खाना कम नहीं खाने का, पेट भर के खाने का। अगर जेब में पैसा है पेट्रोल टैंक में जाके क्या, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल भरते कि टैंकी फुल करता है, वैसे पेट भर के खाना है। हाँ मिलेट्स, वही 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 एमरेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, और लड्डू आता है वो हल्का हल्का रहता है, इधर लाइट रहता है फ्लफी वाला, उसका उसका चावल बना के पॉरेज बना के खा लो, खिचड़ी बना के, और मूंग खाओ शाम को, चना खाओ और स्प्राउट करके, ओके। मूंग चना सब खा सकते हो, खाली राइस अवॉइड करो, जवार अवॉइड करो, बाजरा अवॉइड, क्योंकि ये डेड फूड है, नॉन वेज डेड, मिल्क डेड, ये सारा डेड फूड है। लिविंग फूड खाने का जिसमें प्राण शक्ति है,
जो बोध उपजा जाए। तो रात को एक एक रूट वेजिटेबल खाओ, क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं, स्वीट पटेटो, पटेटो, सूरन, अरबी, एक एक कोई भी रूट वेजिटेबल खाओ करके, हाफ बॉइल करके, नहीं स्टीम करके, जितना हो सके उतना वेजिटेबल्स को स्टीम करो, स्टीम करके सब मसाला, हल्दी, मिर्ची, तेल मत डालना, थोड़ा सा सेंगदाना डाल देना, ओके, उसका तेल छूटेगा सेंगदाने का, उसी में ओगार लगा दो, ओके। तो ये खाने का, ये खा के आप लोग स्वस्थ हो जाओ, बाबा से योग में बोलो, भाई को जल्दी दोबारा बुलाओ और दोबारा हम बात करेंगे, ओके, थैंक यू वेरी मच।